सो ही गेमर्स, आज की वीडियो में बताने वालों कैसे आप बिल्कुल फ्री में फ्री फायर में एवोल्यूशन स्टोन ले सकते हैं। आप सभी लोगों को पता होगा फ्री फायर में एवोल्यूशन स्टोन का क्या यूज है एंड आप क्या क्या कर सकते हैं। एंड बात करें अपन लक रॉयल में चले जाते हैं, लक रॉयल में जाने के बाद इंक्यूबेटर वाले ऑप्शन में आता है। उसके बाद इस इंक्यूबेटर में जो भी आपको न्यू बंडल आते हैं या जो भी गन स्किन आता है उसको लेने के लिए आपको ब्लू प्रिंट प्लस आपको एवोल्यूशन स्टोन चाहिए एंड उसको आप एक्सचेंज करके जो भी बंडल आते हैं या गन स्किन आते हैं उसको बिल्कुल फ्री में ले सकते हो। एंड यहाँ पर देख सकते हो मेरे पास टोटल यहाँ पर 6 स्टोन है एंड आज की वीडियो में बताऊंगा इसको मैंने कैसे लिया एंड आप लोग भी कैसे ले सकते हो। क्या आपके पास भी एवोल्यूशन स्टोन नहीं है एंड आप भी बिल्कुल फ्री में एवोल्यूशन स्टोन लेना चाहते हो तो इस वीडियो को एंड तक वॉच करते ही रहना। एंड चलो आज की वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को एक लाइक करना मत भूलेगा एंड इसी तरीके की हेल्पफुल वीडियो देखना चाहते हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल बेल आइकन को यहाँ से दबा देना। तो चलो अपना टाइम वेस्ट किया आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो बात करें बिल्कुल फ्री में एवोल्यूशन स्टोन लेने के, सो आज के वीडियो में आप सब भी लोगों को कुछ ऐसे ट्रिक के बारे में बताऊंगा जिसके जरिए आप बिल्कुल फ्री में एवोल्यूशन स्टोन तो ले ही पाओगे। एंड आज के वीडियो में जो सामने में जो भी दो तीन ट्रिक बताऊंगा उसके बारे में पता होगा एंड लास्ट में जो भी ट्रिक होगा गाइस उसके बारे में आप सभी लोगों को नहीं पता होगा। सो तभी बोलता हूँ इस वीडियो को एंड तक वॉच करते ही रहना एंड चलो बढ़ते हैं हमारे फर्स्ट ट्रिक की तरफ। सो अगर आपको एवोल्यूशन स्टोन चाहिए सो आपको सबसे पहले तो आपको इलीट पास अनलॉक करना पड़ेगा। अब आप लोग बोलोगे भाई एवोल्यूशन स्टोन के लिए कौन पास और डायमंड के इलीट पास अनलॉक करेगा, तो जो भी इलीट पास लेता है उसके लिए एंड जो भी इलीट पास नहीं लेता उसके लिए तो बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप इलीट पास लेते हो तो इलीट पास में आप सभी लोगों को देखने को मिल जाता है एक एवोल्यूशन स्टोन एंड ये एवोल्यूशन स्टोन आप सभी लोग को पता है अगर आप 180 बेच कर लेते हो तो ये आपको बिल्कुल फ्री में मिल जाता है। सो चाहो तो इलीट पास से भी बिल्कुल फ्री में तो एवोल्यूशन स्टोन ले सकते हो एंड अगर जो भी इलीट पास से एवोल्यूशन स्टोन नहीं लेना चाहता है सो और काफ़ी सारे ट्रिक है उसको एवोल्यूशन स्टोन लेने के लिए। सो चलो बढ़ते हैं हमारे सेकंड ट्रिक की तरफ। सो आपको सेकंड ट्रिक में करना क्या है, लक रॉयल में आ जाना। लक रॉयल में आने के बाद इंक्यूबेटर वाले ऑप्शन में चले जाना, इंक्यूबेटर में चले जाना। इंक्यूबेटर में आने के बाद यहाँ पर आपको स्पिन मारना है एंड आप लोग बोलोगे भाई डायमंड का कौन स्पिन मारेगा एवोल्यूशन स्टोन लेने के लिए, तो मैं आपको मैं डायमंड का स्पिन मारने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, आपको वाउचर से स्पिन मारना है। आप सभी लोगों को पता होगा फ्री फायर में काफ़ी सारे ऐसे इवेंट आते रहते हैं जिसमें आपको सभी लोगों को पता है फ्री फायर में काफ़ी सारे ऐसे इवेंट आते रहते हैं जिस इवेंट में आपको बिल्कुल फ्री में इंक्यूबेटर का वाउचर दिया जाता है। तो अगर आपको इंक्यूबेटर का वाउचर आता है तो आप यहाँ पर इंक्यूबेटर में आ जाना एंड इंक्यूबेटर में आने के बाद उस वाउचर से आपको स्पिन मार लेना है। और अगर आप स्पिन करते हो तो आप स्पिन करने के बाद आपको मिलने का चांस काफ़ी ज़्यादा रहता है कि आपको कोई ना कोई तो दोनों चीज़ में एक मिल जाए, जैसे कि आपको ब्लू प्रिंट मिल जाए या एवोल्यूशन स्टोन मिल जाए। एंड अगर आपको एवोल्यूशन स्टोन ज़्यादा आपको मिलता है, ज़्यादा चांस होता है ब्लू प्रिंट से ज़्यादा चांस एवोल्यूशन स्टोन मिलने का होता है, तो अगर मिलता है तो काफ़ी अच्छा बात है ना। चलो बढ़ते हैं हमारे थर्ड ट्रिक के ऊपर। सो बात करें तीसरे ट्रिक के बारे में, सो आप सभी लोगों को पता है फ्री फायर में न्यू इंक्यूबेटर आता है एंड इंक्यूबेटर आने के बाद यूट्यूब में काफ़ी सारे ऐसे वीडियो बन जाते हैं जिसमें आपको वन स्पिन ट्रिक आपको देखने को मिल जाता है। एंड अगर आपको ऐसे काफ़ी सारे ट्रिक आते हैं जिसमें आपको वन स्पिन में आपको इंक्यूबेटर का जो भी आपको ब्लू प्रिंट होता है या स्टोन होता है वो आपको मिल जाता है, ऐसे वीडियो तो काफ़ी सारे यूट्यूब पर बनते हैं बट ये वाला ट्रिक मतलब जो भी वन स्पिन वाला ट्रिक होता है वो बहुत कम वर्क करता है। तो अगर आप यूज करना चाहते हो तो कर सकते हो बट आपको निकलने का चांस बहुत ही कम रहता है। सो चलो बढ़ते हमारे फोर्थ ट्रिक चौथे नंबर के ट्रिक के ऊपर। सो बात करें चौथा ट्रिक के ऊपर, तो सच में चौथा ट्रिक काफी अच्छा है एंड आप सभी लोगों को पता होगा बहुत पहले एक इवेंट आया था जिसमें आपको बनी इंक्यूबेटर का आपको ब्लू प्रिंट बिल्कुल फ्री में दिया जा रहा था एंड उसके साथ साथ आपको एक एवोल्यूशन स्टोन बिल्कुल फ्री में दिया जा रहा था जिसको आप सभी लोगों ने लिया होगा एंड अब मैं भी लिया था। तो वैसा इवेंट आगे जाकर भी आ सकता है क्योंकि फ्री फायर में काफी सारे ऐसे बड़े बड़े इवेंट आते रहते हैं जिसमें यह सब चीज दे सकते हो। तो अगर अभी तो नहीं आता है बट अगर बाद में आता है सबको बिल्कुल फ्री में तो आप एवोल्यूशन स्टोन तो ले ही सकते हो। एंड गाइस चलो बढ़ते हैं हमारे पांचवे ट्रिक के ऊपर, तो पांचवा ट्रिक भी काफ़ी अच्छा है। सो कुछ दिन पहले फेसबुक में फ्री फायर के ऑफिशियल पेज में एक इवेंट चल रहा था जिस इवेंट में आपको बिल्कुल फ्री में तीन एवोल्यूशन स्टोन दिया जा रहा था। उसके लिए आपको करना क्या था, आपको सिंपल से जो भी पोस्टर दिया गया था उसके नीचे में आपको जो भी फ्री फायर का UID होता है उसको डालना था एंड आपके प्रोफाइल का आपको स्क्रीनशॉट सेंड करना, उसके स्क्रीनशॉट नीचे में आपको डालना था एंड आपका लक काफ़ी अच्छा होता तो आपको भी मिल सकता था आपके ID में बिल्कुल फ्री में तीन एवोल्यूशन स्टोन। सो ये इवेंट तो बहुत पहले अभी तो कुछ दिन पहले जा चुका है। सो ऐसे इवेंट तो फ्री फायर में काफी सारे आते रहते हैं जिसमें आपको कुछ ना कुछ आइटम बिल्कुल फ्री में दिया जाता है। फ्री फायर नहीं, फ्री फायर के जो भी ऑफिशियल सोशल मीडिया एप्लीकेशन होते हैं जैसे कि फेसबुक के पेज में या इंस्टाग्राम में या यूट्यूब चैनल में, ये सब में आपको ऐसे इवेंट आपको देखने को मिल जाता है जिसमें आपको कुछ ना कुछ आइटम बिल्कुल फ्री में दिया जाता है। जैसे अभी कुछ दिन पहले कोरोना करेक्टर दिया जा रहा था, कुछ कस्टम रूम कार्ड दिए जा रहे थे या आपको कुछ यहाँ पर एवोल्यूशन स्टोन दिया जा रहा था जिसका स्क्रीनशॉट में पहले
भी आप लोग सभी लोगों को बता चुका हूँ। सो ऐसे आपको काफ़ी सारे इवेंट आते रहते हैं, तो आप फॉलो कर सकते हो फ्री फायर का ऑफिशियल जो भी फेसबुक में पेज होता है या इंस्टाग्राम या यूट्यूब चैनल, ये सब को आप फॉलो करते हो। एंड अगर आपको कोई भी इवेंट आता है या कुछ भी आपको आइटम बिल्कुल फ्री में दिया जाता है, सो आप भी पार्टिसिपेट करके बिल्कुल फ्री में ले सकते हो। सो फिलहाल वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो में कोई भी सब प्रॉब्लम आता है या वीडियो में से के रिलेटेड आपको कुछ भी पूछना है तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। एंड अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगता है और वीडियो अच्छा लगता है, सो वीडियो को एक लाइक करना मत भूलेगा। एंड अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इसी तरीके के हेल्पफुल वीडियो देखने के लिए। एंड चलो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।